जीत के रथ पर सवार आज श्रीलंका से भिड़ेगा पाकिस्तान। जी हां, बहुत स्वागत है आपका खेल कड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आठवां मुकाबला और आठ बार श्रीलंका और पाकिस्तान आपस में भिड़े। कुछ रोचक तथ्य हम बताएंगे आपको, आप बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ। आपको बता दें, पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका के बीच पहला वर्ल्ड कप मैच 1975 में खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने 192 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज की। जिस तरह से वनडे वर्ल्ड कप में कभी भी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जीत नसीब नहीं हुई, उसी तरह क्रिकेट के इस महाकुंभ में कभी भी श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज नहीं कर पाई। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों एक खिताब जीते, यानी कि अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान ने एक खिताब, अगर बात की जाए श्रीलंका की, यानी कि पाकिस्तान और श्रीलंका ने दोनों एक एक खिताब जीते। पाकिस्तान ने 1992 में वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया, तो वहीं श्रीलंका ने 1996 में वर्ल्ड कप जीता था। 1996 में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच कोई भी मुकाबला नहीं खेला गया। आईसीसी वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका मैच में कुल आठ बार आमना सामना हुआ है, जिसमें एक बार मैच बारिश के चलते धुल गया, जबकि सात बार पाकिस्तान ने जीत दर्ज की। यानी कि आज जो मुकाबला होने वाला है पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में, यह मैच हैदराबाद में होगा और श्रीलंका को पूरी उम्मीद है, यानी कि श्रीलंका पूरी कोशिश करेगी कि जो सदियों से ये रिकॉर्ड चला रहा है, यानी कि जो पाकिस्तान के खिलाफ कभी उसको जीत नहीं मिली, आज वो पहली जीत दर्ज करने हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम उतरेगा। यानी कि टूर्नामेंट के अपने दूसरे मैच में पाकिस्तान श्रीलंका से कड़ी परीक्षा की उम्मीद कर सकती है। बाबर आजम के नेतृत्व में पाकिस्तान टीम के लिए नीदरलैंड के खिलाफ जीत ज्यादा अस्वस्थ करने वाली नहीं थी, लेकिन वह निश्चित रूप से श्रीलंका के खिलाफ अपने मौके की उम्मीद कर रहे होंगे, जिन्हें दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका ने 102 रनों से हराया था। अगर बात की जाए जिस तरीके से दिल्ली में मुकाबला हुआ, पहला मुकाबला जिस तरीके से श्रीलंका 102 रनों से हारी, इस मुकाबले में जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम ने रनों की बारिश की, रनों का अंबार लगा दिया, जिस तरीके से मार्करम ने शानदार बल्लेबाजी की और अपने टीम को वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन, यानी कि 428 रनों तक पहुंचाया था। इस मैच में अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीका के तीन बल्लेबाजों ने शतक ठोका था, वहीं पर एडन मार्करम ने 49 बालों पर शतक मारकर सबको यह बता दिया कि साउथ अफ्रीका किसी से कम नहीं है। साउथ अफ्रीका जो कि स्टार्टिंग से वो फेवरेट टीमों में नहीं थी, अगर चार टॉप टीमों की बात की जाए उसमें भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और जिस तरीके से लोग पाकिस्तान को उसमें बता रहे थे, लेकिन उस मैच के बाद साउथ अफ्रीका ने सबके कानों में खावा डाली कि साउथ अफ्रीका अभी है और साउथ अफ्रीका को अपने आप फेवरेट टीम में लीजिए। आपको बता दें, पाकिस्तान एशिया कप अभियान के बाद 7 साल बाद भारत आया है, जिसमें उनकी कमजोरियां उजागर हुई, लेकिन अपने कट्टर प्रतिद्वंदियों की भूमि पर खेलना उनके खिलाड़ियों के लिए रातों रात राष्ट्रीय नायक बनने का एक अवसर है और उन्हें इस विचार से प्रेरित होना चाहिए। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच कुल 156 ओडीआई मैच हुए, जिसमें पाकिस्तान ने 92 बार जीत हासिल की, यानी कि पाकिस्तान की टीम ने 92 बार पटकनी दी श्रीलंका को। अगर वही बात की जाए श्रीलंका की, तो श्रीलंका ने 59 बार, लेकिन एक मैच ड्रा हुआ था और 4 मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला, यानी कि वो मैच पूरी तरीके से रद्द हो गया था। इनके बावजूद दोनों टीमों ने ओडीआई वर्ल्ड कप में एक दूसरे का मुकाबला 8 बार किया, जिसमें पाकिस्तान ने 7 मैच में जीत हासिल की और एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 3 अलग अलग प्रकार की पिचें हैं, जी हाँ, जिसमें काली मिट्टी, लाल मिट्टी और दोनों का संयोजन शामिल है। हाल ही के पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड मैच में कठोर और सूखी सतह का उपयोग किया गया था। इस सतह ने तेज गेंदबाजों को कुछ उछाल उत्पन्न कराने की अनुमति दी, यानी कि जो तेज गेंदबाज थे उस पिच पर उनको अच्छी उछाल मिली और ऐसा माना जाता है कि बल्लेबाजी के लिए भी ये पिच अनुकूल है। अगर बात की जाए पाकिस्तान बनाम श्रीलंका विश्व कप 2023 का मैच आज 2 बजे से खेला जाएगा, इसका जो टॉस होगा वो 1:30 बजे होगा और यह मैच भारतीय समय अनुसार यानी कि 2 बजे शुरू होगा। लेकिन जिस तरीके से अगर एक नजर डाली जाए, पाकिस्तान जो अपना पहला मैच खेला नीदरलैंड के खिलाफ, उनकी अगर 2 बल्लेबाजों को आप छोड़ दें, जो पाकिस्तान के विकेट कीपर हैं मोहम्मद रिजवान और जो मिडल में आने ते हैं खेलने के लिए शकील, और जिस तरीके से मोहम्मद नवाज ने भी कुछ बेहतरीन पारी खेली, सदाब खान ने भी खेला, लेकिन जितना उम्मीद लोगों को रहती इमामुल हक से, फखर जमाम से, इफ्तिकार अहमद से या बाबर आजम से, यानी कि मिडल ऑर्डर पूरी तरीके से नीदरलैंड जैसी कमजोर टीम के सामने भरभरा जाता है।
और आज इस मैच में पाकिस्तान ये चाहेगा कि वो गलती जो उससे हुई थी वो गलती फिर से ना दोहराए, क्योंकि ये पिच बैटिंग के लिए भी उतनी अनुकूल है जितना बॉलिंग के लिए है, यानी कि सपाट पिच है हैदराबाद की पिच, और इस पिच पर अच्छे खासे रन बनते हैं, यानी कि आप साफ तौर से कह सकते हैं कि आज भी एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में। वर्ल्ड कप के पल पल अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।